मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं केजी डेनिम, जो कि एक फैशन और अपैरल सेक्टर की कंपनी है, उस पर चर्चा करूंगा। यह कंपनी भारत के अग्रणी निवेशक अनिल गोयल जी के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। कंपनी की दो सब्सिडरीज हैं, एक ट्रिगर अपैरल और दूसरा केजी डेनिम यूएस। कंपनी का ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जहां ये ट्रिगर ब्रांड के जींस, शर्ट, ट्राउजर और जॉगर्स बेचता है। इसका एक होम टेक्सटाइल डिवीजन भी है, जो जहां पे आपको टेरी टॉवल जैसे ब्लैंकेट, सीट और रेडीमेड गारमेंट जैसे उत्पाद मिल जाएंगे। कंपनी की क्षमता 30 मिलियन मीटर डेनिम फैब्रिक की और 12 मिलियन मीटर प्रोसेस्ड फैब्रिक की क्षमता है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये अपने उत्पाद दूसरे ब्रांड्स को भी देते हैं, जैसे डेनिम के जो उत्पाद है या फैब्रिक के, और साथ ही साथ अपने खुद का ब्रांड बना के ये ऑनलाइन वेबसाइट और रिटेल के जरिए बेचते हैं घरेलू बाजार में ही। तो अगर यहाँ केजी डेनिम की बात करें, तो एक छोटी कंपनी टेक्सटाइल डिवीजन की, जो डेनिम कपड़े और टेक्सटाइल कपड़े खुद बनाती है, और साथ साथ उन कपड़ों से अपने खुद के ब्रांड के जीन्स, ट्राउजर, बेडशीट ये बना के ऑनलाइन वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स के जरिए बेचने का प्रयास कर रही है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, और जैसे जैसे पॉपुलर होंगे ब्रांड, कंपनी को फायदा होगा। यहाँ एक चीज यह है कि जैसे टेक्सटाइल सदाबहार सेक्टर है, बहुत सारे इसमें प्लेयर है, छोटे बड़े, और साथ ही साथ एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर भी है। आमतौर पर रिटेल निवेशकों के लिए मैं सलाह देता हूँ किसी बड़े कंपनी के साथ, इस सेक्टर के बड़े कंपनियों के साथ जुड़ना ज्यादा सही रहता है छोटी कंपनियों की अपेक्षा। लेकिन यह कंपनी को आप रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अपने खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च कर रही है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पोर्टफोलियो के बाकी कंपनियों का भी विश्लेषण मैंने अपने वेबसाइट manipati.com पे किया है, और भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। इस तरह से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसका आपको पता चल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है, वह मेरी खुद की रिसर्च है, और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।